नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जन उदय में। आज हम आए हैं मंगोलपुरी बी ब्लॉक में जय माता वैष्णो देवी मंदिर में, और आइए बात करते हैं यहाँ के मशहूर पंडित जी शिव शंकर तिवारी जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। आप यहाँ पे कब से इस मंदिर में हैं और कितने टाइम हो गया इस लाइन में आपको? देखिए, आपने जो प्रश्न किया कितने समय से इस लाइन में, तो मैं जन्म से ही, मेरी एक परंपरागत चीज़ है, ये कुल परंपरा की चीज़ें होती हैं। और दूसरा, मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ इस स्थान में, माँ के चरणों में सेवा में। और एक ये स्वयं सिद्ध स्थल है, ये माँ भगवती ये स्वयं शक्ति स्वरूपा में बैठी हुई हैं, और इस स्थान का अत्यधिक विशेष महत्व भी है। यहाँ जो दिल से हृदय से भगवती को प्रणाम करता है और हृदय से जो याचना करता है, माँ भगवती इसको पूर्ण करती हैं, सभी भक्तों को आनंदमय जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देती है। जैसे कि अभी पूरे देश में किसान जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं और आज किसान दिवस भी है, इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों को अभिनंदन और आज किसान दिवस से उनको बधाई देना चाहूँगा। और हमारे देश में दो ही प्राणी हैं जिनके माध्यम से देश हमारा जीवित है और हम खुशहाल हैं, और एक नारा है कि जय जवान जय किसान। खेत पे किसान काम नहीं करे, सरहद में जवान न हो, तो हम चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। आज किसान दिवस है और वो सब बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये दुखद है कि आज वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए या पूर्ण करने के लिए आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। तो हमारी जो सेंटर की सरकार है, माननीय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बड़े ही सुलझे हुए और बड़े ही कर्मठ और बड़े ही ईमानदारी के साथ जनसेवा में लगे हुए हैं। तो हमें पूर्ण आशा है कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी से उठकर ऊपर आए हैं, तो किसानों की जो व्यथा है उसे ज़रूर सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और मैं विनम्र प्रार्थना भी करूंगा कि वो शीघ्रता के साथ उनकी मांगों को पूर्ण करके और उनको यथावत अपने अपने घर जाने का आदेश दें। जैसे कि अभी एक खबर आई है, ब्रिटिश से एक कोरोना का दूसरा रूप वायरस अब इंडिया की तरफ आने वाला है, उस पर आपका शास्त्र और आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो महामारी जो कोविड-19 जो दिसंबर में जन्म ली चीन में, और दूसरा दिसंबर आते आते हम दिसंबर में ही बैठे हुए हैं, एक वर्ष हो गया, पूरे विश्व को ग्रसित कर लिया, पूरे विश्व को इस प्रकार से ग्रसित कर लिया कि अच्छे अच्छे विकसित जो विकासशील देश थे, अमेरिका जैसे लोग जो है वो त्राहिमाम करने लगे। और कहने का तात्पर्य है कि उस महामारी से संपूर्ण विश्व पटल में जनमानस का अत्यधिक नुकसान हुआ। किंतु वर्तमान में भी जो देख रहे हैं कि ब्रिटेन से कोरोना वायरस का एक नया रूप, इसी वायरस का एक नया रूप जो जन्म लिया है, और ये भी सुनने में आता है कि उसकी जो गति है 70% अत्यधिक उसे तीव्र है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस महामारी से तो सबने लड़ लिया, लेकिन ये अगर फैलने पाई तो बहुत बड़ा जनमानस हानि की ओर चला जाएगा। देखो, ज़्यादा महामारी तो है ही है, ये कोरोना आने से सभी व्यक्ति जो हैं परेशान हैं, और इन्होंने जो भी कभी हमने सोचा भी नहीं था भविष्य में कि इस तरीके से हमारे साथ हुआ, क्योंकि बीमारियां तो 100 साल के बाद ये महामारी होती है, कभी चेचक की थी पहले, अब उसके बाद में जब कोई हैजा और ये कोरोना तो बाद की बात है। अब के तो हमने ऐसी बीमारी देखी है कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे, यहाँ तक जो है एरोप्लेन तक भी है का उनको भाई रोक दिया गया है, ट्रेनें भी रोक दी गई हैं पब्लिक, और जहाँ पे मेट्रो जो दिल्ली में चलती है वो भी रोक दी गई थी। तो ऐसा कभी हमने इस भविष्य में सोचा भी नहीं था, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारी 64 साल की उम्र हो रही है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा जैसे महामारी अब आ रही है। ये थे हमारे साथ पंडित जी शिव शंकर तिवारी जी। मैं प्रिया तिवारी, कैमरामैन प्रिया के साथ जन उदय।
प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।